दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बीएस भंडारी है और मैं एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक ऐसा आश्चर्यजनक चमत्कारी के एक रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूं, जिसको देख करके और सुन करके मैं भी हैरान और परेशान हूं, और इसको मैं नेमत मानता हूं ऊपर वाले की कि जिन्होंने एसएलपीएस वेलनेस के फाउंडर्स को एक सोच दी और उन्होंने एक अच्छी नीयत से ऐसे प्रोडक्ट ईजाद किए जिसकी बदौलत आज ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे ठीक हो रहे हैं हिंदुस्तान में, जिनका ट्रीटमेंट कहीं से कहीं तक नहीं हो पा रहा था। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं एक ऐसे ही महिला से। जी आप बताएं आपका क्या नाम है? साहिदा बी। साहिदा जी आप कहाँ के रहने वाली हैं? पूरा पता बताएं। ये कौन से जिले में पड़ता है? नीमच मध्य प्रदेश में। ओके आप बताएंगे आपको जी हाँ मैं इनको एग्जैक्टली इनके डिजीज के बारे में बतानी है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इनके 8-9 साल से पिछले 8-9 साल से L4-L5 के बीच में नस कंप्रेस होने की वजह से इनका कमर से नीचे के हिस्से में धीरे धीरे सुन्नपन और दर्द होना शुरू हुआ था, और आज से 1 साल पहले एक दिन ऐसा आता है कि ये पानी लेने के लिए गई और उसके बाद वहां से उठ ही नहीं पाई। उसके बावजूद क्या कहानी इनके साथ हुई है ये बताएंगे जी। जब पानी लेने के लिए आप गई थी उठ नहीं पाई थी तो फिर क्या हुआ? तो दर्द चालू हो गया था पैर में, पैर सुन होने लग गए, दर्द चालू हो गया तो ऐसे हो गया था, भारी भारी करके वजन रख रखा। अच्छा फिर? फिर उदयपुर जाके इलाज कराया, वहाँ ऑपरेशन करा। अच्छा ऑपरेशन तो भी फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा फिर दवा से फर्क पड़ा। ऑपरेशन कराने के बाद में कितने दिन तक आप बिस्तर पर रहे थे? रहे तीन चार महीने आप बिस्तर पर रहे थे। और जब हमारी दवा स्टार्ट की आपने, उस समय पर आपकी क्या स्थिति थी? एक बार तो थोड़ी चलने लग गई थी। हमारी दवा लेने से पहले आपकी क्या स्थिति थी? क्या आप उसमें बिस्तर पेशेंट थी या आप बिस्तर में ही थी? कोई आप नहीं चल नहीं सकते, बाथरूम पे साफ, घर का काम सब घर में, सब कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते थे बिना किसी मदद के? अच्छा तो जब से आपने हमारे जो प्रोडक्ट है वो लेने स्टार्ट किए हैं, जब से बाहर जाने लग गई। अच्छा एक आपने ये प्रोडक्ट लिया इम्यूनोडॉक, इसकी कितनी बोतल खत्म हो गई है आपकी? दो बोतल। और इसकी थंडर ब्लास्ट की? ये भी दो हो गई। ये तीसरी चल रही है? तीसरी चल रही है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो आपको इतने दवाई लेने के बाद में आपको कितना आराम मिला है? आराम है, मैं बाहर जा सकती हूँ, लेटरिन के साथ जा सकती हूँ, बैठ के काम कर सकती हूँ, किसी के ये काम नहीं कर रही, बस वजन लेके भी चले जाता। अच्छा चलिए ये भी मेरे लिए मैं अजीब सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब आप बिस्तर से उठ करके अगर आप मेरे सामने बैठी हुई तो यही सबसे बड़ा रिजल्ट है। आई होप कि आप किसी पे डिपेंड नहीं है, आज आप खुद काम करती हैं जैसा आप बता रही हैं, खाना खुद बनाती हैं, घर के सारे काम, बच्चे सामान दे देते तो बना लेती हूं, दीवार के सारे सहायक काफी समझ जाती हूं। अच्छा तो अभी आपको कितनी परेशानी रह गई है? वजन तो उतनी परेशानी रह गई, सुनपन निकल जाए तो वजन नहीं। अच्छा आपको पैर पर वजन नहीं पड़ता है क्योंकि आपको अभी भी सुनपन महसूस होता है? चलिए ठीक है। तो दोस्तों मैं आज इनका एक प्रोडक्ट बदल रहा हूँ, इम्यूनोडॉक की जगह मैं इनको थंडर ब्लास्ट के साथ ऑर्थोडॉक दे रहा हूँ, और एक महीने बाद फिर वापस हम इनका वीडियो लेंगे। आज अगर मैं परसेंटेज का रेशियो बताऊं तो इनको उस परेशानी में लगभग 70-80% आराम है, केवल 2 बोतल इम्यूनोडॉक और 2 बोतल थंडर ब्लास्ट की बदौलत। सही कह रहा हूं? ओके तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं एसएलपीएस वेलनेस के फाउंडर्स का, जिन्होंने एक अच्छी नीति और एक अच्छी नीयत के तहत ऐसे अच्छे प्रोडक्ट बनाए और आज ऐसी ऐसी बीमारियों की उनको जो है कि रिजल्ट मिल रहे हैं। थैंक यू एसएलपीएस।